बेलीपार थाने की पुलिस ने चाकू से वार कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मनोज पुत्र स्वर्गीय भोला निवासी ग्राम जुड़ापुर थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, दूसरा पार्वती साहनी पत्नी संतोष साहनी निवासीगढ़ ग्राम जुड़ापुर थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि सोमवार को बेलीपार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाकी अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलीपार थाना प्रभारी इकरार अहमद, उपनिरीक्षक आनंद कुमार, कांस्टेबल मनीष गुप्ता, उपेंद्र कुमार, महिला कांस्टेबल निष्ठा सुमन, ज्योति चौबे शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, दिनांक 19/12/22 के सायंकाल थाना क्षेत्र बेलीपार के गांव जुड़ापुर में राहुल यादव नामक व्यक्ति को उसके विरोधियों ने चाकू मार दिया। तत्काल इसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। राहुल के छोटे भाई रोहित की तहरीर पर थाना बेलीपार पर हत्या का अभियोग 7 लोगों के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया है। नामजद अभियुक्तों में से दो अभियुक्त मनोज निषाद और पार्वती निषाद की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस की टीमें सर्विलांस एसओजी और स्वाट के साथ साथ लगातार अन्य अभियुक्तों के यहाँ दबिश दे रही हैं। गांव में पुलिस बल तैनात है, आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है।